Welcome friends, in the previous part we have discussed about the basics of fatigue. Okay, what is fatigue load and what is alternating stress, what is stress amplitude, what is mean stress. These things we have discussed. Now we are going to discuss about the fatigue life methods. How do we estimate the life of any material under fatigue loading? Okay? So there are basically three methods which are widely used. One is स्ट्रेस लाइफ मेथड जिसको हम लोग एस एन डायग्राम भी बोल देते हैं, ठीक है. सेकेंड इज स्ट्रेन लाइफ मेथड जहाँ पर हम लोग स्ट्रेन को रिप्लेस कर देते हैं केवल स्ट्रेस से. एंड थर्ड वन इज द लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स मेथड जो अपना क्रैक फेलियर का जो मेथड होता था, दैट इज इट बेसिकली. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रेस लाइफ मेथड हेयर, तो वट वी डू हेयर, वी बेसिकली यूज समथिंग नॉन एज आर आर मोर रोटेटिंग बीम मशीन. ठीक है, तो वील बी रोटेटिंग ए बीम इन सम स्टैंडर्ड शेप, जो हमने यहाँ पे शेप बनाया हुआ है राइट साइड में, दैट इज द स्टैंडर्ड शेप ऑफ स्पेसिमेन. इसको कंटिन्यूसली रोटेट किया जाता है एंड देन वी मेजर अप द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इट कैन सस्टेन विदाउट फेलिंग एट द गिवन लोडिंग कंडीशन. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द रोटेशन द पॉइंट ए, लेट्स से यहाँ पे हम पॉइंट ए को कंसिडर कर लेते हैं टू एक्सप्लेन इट बेसिकली. तो पॉइंट ए जब टॉप पे है, जो करंट पोजीशन है इसकी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द बेंडिंग लोड एफ देयर इज गोइंग टू बी कंप्रेसिव स्ट्रेस देयर. ठीक है, यानी कि माइनस में आएगी स्ट्रेस अपनी. व्हेन ए कम्स एट द सेंटर देयर वॉन्ट बी एनी स्ट्रेस ऑन इट, सेंटर पे कैसे रोटेट हो गया जाएगा. देन अगेन वो रोटेट होकर जब नीचे आएगा देयर इज गोइंग टू बी टेंसाइल स्ट्रेस ऑन इट. सिमिलरली व्हेन एवर इट कीप्स ऑन रोटेटिंग द स्ट्रेस विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. That is what we say ki in every cycle there is going to be a reversal of the stress on that element and we note the number of cycles that it will sustain for the given F. Okay, so that is how we estimate the life of this particular element. ठीक है, तो basically life से हमारा मतलब क्या है, मतलब हम life किस चीज को बोलते हैं. Okay, तो life जो है that can be defined as number of cycles also. That how many cycles or the number of rotations this particular element can sustain at given loading. जो यहाँ पर loading अपनी F है या फिर given stress, उस पर कितना number of cycles वो sustain कर पाएगा, that is the life. Or we can say number of hours. तो number of hours में number of cycles में क्या relation होगा, usually we are given something called as RPM which is revolution per minute. ठीक है, यानी कि एक मिनट के अंदर वो एन रेवोल्यूशंस ले रहा है. तो एक घंटे में कितने रेवोल्यूशंस लेगा, वन आवर इट विल टेक 60 एन रेवोल्यूशंस, राइट. तो आई कैन रिलेट द लाइफ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आवर्स. मैं आवर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ और उससे उसका क्या बोलते हैं साइकिल्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, अब जो आर आर मोर रोटेटिंग टेस्ट, इसमें क्या हो रहा है कि वी आर नोटिंग the number of cycles it sustains for given load. फिर हम क्या करेंगे, load को change कर देंगे, फिर से देखेंगे कि कितने number of cycles ये झेलेंगे, फिर load को change कर देंगे and then we finally get a plot between the stress values and the number of cycles. ठीक है, जिसको हम represent करते हैं एस एन डायग्राम पे. ठीक है, इसका जो एस एन डायग्राम वो कैसे, ओके, सो इफ यू प्लॉट द ग्राफ फॉर आर आर मोर टेस्ट फॉर स्टील्स, तो वहाँ पे अपने को क्या है, जो ये गिवन ग्राफ है, इस टाइप का ग्राफ मिलता है. एंड हेयर वी डिफाइन सर्टन रीजन्स, सो बिलो 10^3 वी विल कॉल इट एज लो साइकिल लाइफ, अबाउट 10^3 वी कॉल इट एज हाई साइकिल लाइफ. ठीक है, तो जो अपन ने यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है बेसिकली, इफ आई मेंशन दीज रीजन्स, बिलो 10^3 इज अवर लो साइकिल लाइफ, ओके, एंड मोर देन 10^3 अगर होगा तो उसको बोलेंगे हाई साइकिल लाइफ. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर अपना 10^7 के नीचे है तो, ठीक है, 10^7 के नीचे उसको बोलेंगे फाइनाइट लाइफ एंड बियॉन्ड 10^6 उसको बोलेंगे इनफाइनाइट लाइफ. तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, इनफाइनाइट लाइफ के लिए हम लोग 10^6 ही यूज़ करते हैं. ठीक है, ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि अगर हमको इनफाइनाइट लाइफ बोलनी है तो वी विल से कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन विल बी 1,000,000, तो हम उसको बोल देंगे इनफाइनाइट साइकिल है. ठीक है, ओके, तो ये जो अपना कर्व है फॉर स्टील्स, हेयर वी कैन सी कि 10^3 के नीचे जो है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल टाइप ही रहता है, ऐसा कुछ उसमें स्पेशल फर्क नहीं आता एंड दैट वैल्यू इज
roughly 100 megapascal. ये जो वैल्यू यहाँ पे रफली 100 मेगा पास्कल ग्राउंड आती है. एंड जो 10^6 पे है यहाँ पे जाके ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती है, दैट वैल्यू इज रफली 50 मेगा पास्कल. ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो एग्जैक्ट 10^6 पे होगा कि नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी. इट कैन बी मोर देन 10^6 एंड इट कैन बी लेस देन 10^6 ऑल्सो, बट उसी रीजन में रहेगा. तो हम लोग एज ए स्टैंडर्ड 10^6 ही यहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो 10^6 पे जो वैल्यू आती है स्ट्रेस की, दैट इज ऑल्सो नोन एज एंड्योरेंस लिमिट. ठीक है, इस 10^6 की वैल्यू को जो है हम लोग एंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं, SE से डिफाइन करते हैं इसको. एंड फॉर स्टील्स इट इज 0.5 SUT. अगर हमने मेगा पास्कल में ले रहे हैं तो SE की जो वैल्यू होगी वो 0.5 SUT होगी. ठीक है, ये अपना एंड्योरेंस लिमिट हो गया इसका. तो एंड्योरेंस लिमिट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? बेसिकली एंड्योरेंस लिमिट इज द पॉइंट विच अकर्स इन द ग्राफ बियॉन्ड विच द फेल्योर विल नॉट अकर नो मैटर व्हाट इज द नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक है, इसके बाद में अगर इसने एक बार एंड्योरेंस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो उसके बियॉन्ड में उसका फेलियर नहीं होगा. ठीक है, फिर हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू चाहे कितनी भी रखें, अगर वो एक बार में 10^6 साइकिल्स को सस्टेन कर गया देन इट विल नॉट फेल बियॉन्ड इट. ठीक है, दैट इज वॉट वी मीन बाई द एंड्योरेंस लिमिट. और इसी को SE यानी कि फैटिक लिमिट भी बोलते हैं. इस चीज़ को फैटिक लिमिट भी बोल सकते हैं, उसे भी डिनोट करते हैं. ठीक है, बट दैट इज फॉर स्टील्स ओनली. इफ वी टॉक अबाउट मटीरियल लाइक एल्यूमिनियम, ठीक है, बिकॉज एवरी थिंग इज नॉट गोइंग टू फॉलो इट, सो द मटीरियल विच आर नॉन फेरस इन नेचर. ओके, नॉन फेरस जो मटीरियल है अपने, बेसिकली हम लोग जैसे अगर एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा, ये सेम जो ग्राफ है, अगर मैं सेम ग्राफ एल्यूमिनियम के लिए प्लॉट करता हूँ इधर. ओके, तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये कभी स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं जाके. दैट इज वाई फॉर नॉन फेरस मटीरियल्स और फॉर एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल, देयर इज नो एंड्योरेंस लिमिट. ठीक, इनके लिए कोई भी एंड्योरेंस लिमिट नहीं डिफाइंड होती क्योंकि इनका जो ग्राफ है दैट इज नॉट बिकम हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन हियर समथिंग नोन एज फैटिग लिमिट, SF उसको हम बोल देते हैं. एंड यूजली एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें दिस इज डिफाइंड एन इज इक्वल टू 5×10^8. ठीक है, बट अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि नॉन फेरस मटीरियल्स के लिए एंड्योरेंस लिमिट नहीं आती है. ठीक है, इसी चीज़ को एसिम्प्टोट के नाम से भी बोलते हैं. एसिम्प्टोट क्या होता है, किसी भी ग्राफ में जहाँ पे ग्राफ अपना पैरेलल टू एनी एक्सिस हो जाए, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे जो अपना स्टील के केस में अगर हम बात करेंगे तो ग्राफ हैज बिकम एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक कहाँ पे जाके होता है, एंड्योरेंस लिमिट के पॉइंट पे जाके या फिर 10^6 नंबर ऑफ साइकिल्स पे जाके वो एसिम्प्टोटिक कर्व पे चेंज हो जाता है. ठीक है, ओके, सो फ्रॉम द पार्ट 10^3 टू 10^6 वी डिफाइन ए इक्वेशन टू रिलेट द स्ट्रेस एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. ठीक है, और ये अपनी इक्वेशन होती है, इधर बहुत बड़ा हो रहा है. ठीक है, कभी कभी इसको बेस्किन इक्वेशन भी एक होती है जो यूज़ करते हैं, तो वो इस टाइप के तुम दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि ए और बी की वैल्यूज अकॉर्डिंगली आ जाएंगे वहाँ पे. ठीक है, तो अब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे इस पर्टिकुलर केस में. नाउ इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बिकम लॉग ऑफ SF यानी कि द स्ट्रेस वैल्यू एट एनी पॉइंट, उसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी लॉग एन. राइट, और वी यूजुअली टॉक अबाउट टू पॉइंट्स विच इज 10^3 एंड 10^6. तो 10^3 पे ये हो जाएगा लॉग SF एट 10^3 इज इक्वल टू लॉग ए, या तो कॉन्स्टेंट है, प्लस बी इंटू 3, क्योंकि एन की वैल्यू 10^3 है, तो दिस विल बिकम 3 ओनली. एंड ये हो जाएगी अपनी लॉग SE, यानी कि 10^6 पर जो SF है उसको हम SE बोल रहे हैं, इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी इंटू 6. राइट, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं इधर तो व्हाट आई विल गेट, 3B इज इक्वल टू लॉग ऑफ SE माइनस लॉग ऑफ SF एट 10^3
right? And this will give me B is equal to 1 by 3 log of SE divided by SF at 10 raised to power 3. यानी 10 raised to power 3 पे कितनी उसकी life है और 10 raised to power 6 पे उसकी कितनी life है, दोनों का हम यहाँ पे relation ले रहे हैं, ठीक है? ये अपनी आ जाती है B की value, ठीक है? और इस B की value को use करके we can calculate the value of A also. तो यहीं पे इसी equation में अगर हम B की value डाल देंगे तो वहीं से A की value अपने पास में निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो A comes out to be this SF at 10 raised to power 3 sky square divided by SC, ठीक है? कर लेना उसको, मतलब एक बार देख लेना एक्सप्रेशन क्या आ रहा है A का, B का तो ये आएगा डायरेक्टली, मैं कर ही लिया A का, मैं उसको थोड़ा सा देख के लिख रहा हूँ, ठीक है? तो इस टाइप से हम लोग A और B को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन पुट दम बैक टू गेट द जनरल इक्वेशन, जनरल लाइफ एट एनी पॉइंट, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो वी आर बेसिकली गिवन दैट ए सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज देयर, ओके? एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है विच इज रोटेटिंग, ओके? Such that the alternating stress that is generating in it, okay? तो alternating stress जो कि इस rotation की वजह से या फिर torque की वजह से generate हो रहा है, that is equal to 100 megapascal के बराबर है. Now we are given that the fatigue strength to sustain, okay? तो इस जो भी material का ये बना हुआ है उसका fatigue strength जो है to sustain 1000 cycles is given as 490 megapascal, ठीक है? And that the endurance limit of this particular element or particular material is 70 megapascal, ठीक है? Now we need to estimate the life of this element. इस element की life कितनी होगी if it is sustaining a stress of 100 megapascals, okay? So how do we go about it? सबसे पहले अपना काम क्या होगा, we write the equation that at any point of time sigma is equal to a n raised to power b, and SF is equal to a n raised to power b, ये है अपना, okay? पहली चीज़ जो इसने हमको दे रखी है that at 10 raised to power 3 SF की जो value है that is 490, एंड एट 10 रेज टू पावर 6 एस एफ के जो वैल्यू दैट इज 70. एंडोरेंस लिमिट अगर दे रखी है, मतलब 10 रेज टू पावर 6 पे दे रखे, तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर डाल देता हूँ. सो दिस गिव्स मी 490 इज इक्वल टू ए एन बी, और एन की जगह क्या है 10 रेज टू पावर 3, जिसमें अगर मैं लॉग ले लेता हूँ तो दिस विल बिकम लॉग 490 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस 3b, राइट? एंड सिमिलरली लॉग 70 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस 6b. ये दो इक्वेशंस मेरी आ गई, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, 3b इज इक्वल टू, और डायरेक्टली कर देते हैं इसको, b विल बी इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ 470 डिवाइडेड बाई 490, ठीक है? ये होगा इसका मतलब, जो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इन नेगेटिव बेसिकली, ठीक है? एंड सिमिलरली मतलब अगर हम सेम चीज़ को देखेंगे तो एक सेकेंड इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लॉग ऑफ 70 एंड 490 दैट इज -0.8 एंड डिवाइडेड बाय 3, इट विल कम आउट टू बी -0.281, ठीक है? -0.281 आ गया बी का वैल्यू. अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में इसको डाल दो ऊपर ही, ठीक है? तो अपना था 490 इज इक्वल टू ए इंटू 10 रेज टू पावर 3 और उसकी पावर -0.281, ठीक है? तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, दिस विल बिकम 0.143 टाइम्स ए, जहाँ से ए की वैल्यू अपनी आ जाएगी 3426 megapascal, ठीक है? ये अपनी आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू. अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को आई नीड टू यूज एट 100 megapascal, क्योंकि 100 megapascal पे मेरे को, सॉरी 100 megapascal पे मेरे को लाइफ निकालनी थी, तो आई एम गोइंग टू यूज देम एज एट 100 megapascal. तो इक्वेशन जो मेरी जनरल इक्वेशन बनी है लाइफ की, वो क्या बनी है,
SF is equal to 3426 n raised to power minus 0.281. ठीक है, और यहाँ पे SF की वैल्यू है 100 is equal to 3426 n raised to power minus 0.281. तो इसको यहाँ पे सॉल्व अगर मैं कर देता हूँ, सो दिस ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. n की वैल्यू अगर तुम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लोगे तो n विल बिकम समथिंग सिमिलर टू 232482 नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें जो तुमको रेंज एक दे रखी होगी गेट में, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना. और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज इक्वल टू 2.32 इंटू 10^5 नंबर ऑफ साइकिल्स. ठीक, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज कम इन बिटवीन 10^3 एंड 10^6 दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिससे कि अपना कंसेप्ट जो है फाइनली इस चीज़ का क्लियर हो जाएगा कि लाइफ कैसे कैलकुलेट करनी. ओके, सो लेट्स कंसिडर देर इज ए स्टील 1050 अंडर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लोडिंग. ओके, द फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू SF 10^3. ओके, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या बेसिकली कि द फैटिक स्ट्रेंथ एट 10^3 साइकिल्स इज 0.86. तो उसको कैसे लिखना अभी मैं बता देता हूँ. एंड द SUT इज 90 KPSI. ठीक है, यहाँ पे यूनिट केवल हम लोगों ने चेंज कर दिया, मेगा पास्कल की जगह KPSI में लिख रहे हैं. नाउ वी हैव टू एस्टिमेट द एंड्योरेंस लिमिट, द स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू 10^4 साइकिल्स एंड द लाइफ एट कंप्लीटली रिवर्स डिस्ट्रेस ऑफ 55 KPSI. ठीक है, तो फर्स्ट जो अपना पार्ट है जिसके अंदर अपने को स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. द फर्स्ट पार्ट विल बी वी नीड टू कैलकुलेट द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. ओके, द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो हम लोग बात कर चुके हैं स्टील के लिए, इट इज इक्वल टू 0.5 SUT. ठीक है, एंड अपना SUT की वैल्यू कितना है, 90 KPSI है, तो 0.5 × 90 यानी कि 45 KPSI. ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट सेज दैट वी नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू 10^4 साइकिल्स. ओके, स्ट्रेंथ बेसिकली व्हाट इज द सिग्मा वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू 10^4, ये अपने को कैलकुलेट करना है. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही एक जो जनरल इक्वेशन थी दैट वी आर गोइंग टू यूज हेयर. ठीक है, जनरल इक्वेशन अपनी क्या थी, SF या फिर लेट्स से सिग्मा इज इक्वल टू AN^B. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ें चाहिए, मतलब सिग्मा की दो वैल्यू चाहिए, एन की दो वैल्यू चाहिए. तो हमारे पास क्या क्या है, नंबर वन इज सिग्मा एट 10^6 जो है दैट इज अवर 45 KPSI, राइट. और जो सिग्मा अपना 10^3 पे है उसके लिए जो इसने फैक्टर दे रखा था, नॉट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि 0.86 इंटू उसका SUT. ठीक है, तो जितना भी फैक्टर होगा दैट वी मल्टीप्लाई विद द SUT टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू. सो दिस विल बिकम वन सेकंड. ओके, हाँ, तो इसको हम लोग जो है 0.86 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो ये कितना हो जाएगा, 0.86 इंटू हाउ मच इज इट, 90 KPSI. ठीक है, ये अपने जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगी. नाउ व्हाट वी डू, आई पुट बोथ दीज इक्वेशंस 10^6 पे एंड 10^3 पे इन दिस अवर मेन इक्वेशन, और वहाँ से हम लोग A और B दोनों के जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो व्हाट विल इट गिव मी, दिस विल बी सिग्मा विच इज 45 KPSI, लॉग 45 इज इक्वल टू लॉग A प्लस 6B, राइट. एंड सेकेंड अपना हो जाएगा लॉग ऑफ जो ये अंदर वाला पार्ट आएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना, जरा देख लेना कितना इज इक्वल टू लॉग A प्लस 3B. ठीक है, और जब इसमें सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो दिस विल गिव मी B इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3 लॉग ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 19 × 0.86. ठीक है, तो दैट विल बी 0.86 × 90. ठीक, एंड व्हेन आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग दैट विल बी इज इक्वल टू -0.0785. ठीक है, ये अपनी बी की वैल्यू आएगी. नाउ व्हेन आई पुट दिस बी वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन देन आई विल गेट A इज इक्वल टू 133.1 KPSI. ठीक है, तो A की वैल्यू अपनी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी. नाउ आई हैव कैलकुलेटेड A, आई हैव कैलकुलेटेड B, सो I can say that sigma
इज इक्वल टू ए, यानी कि 133.1 इंटू एन रेज टू पावर बी माइनस 0.0785. दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल. ओके, तो अब इस इक्वेशन में इसने हम यहाँ पे पूछा क्या था, इट हैड आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू 10 रेज टू पावर 4 साइकिल्स, यानी कि एन की वैल्यू 10 रेज टू पावर 4. सो सिग्मा करस्पॉन्डिंग टू 10 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 133.1 10 रेज टू पावर 4 और उसका पावर माइनस 0.0785. ठीक है, और यहाँ से अपनी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 64.6 kpsi. ठीक है, ये अपना वैल्यू इधर में कैलकुलेट हो किया जाएगा. तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने, एंड थर्ड पार्ट इट हैज आस्क्ड द लाइफ एट कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस ऑफ 55 kpsi. ठीक है, तो अगर 55 kpsi का अपना ये हो जाएगा स्ट्रेस वैल्यू होगा तो उस पर एन की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो ये जो जनरल इक्वेशन हमने इसकी यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये जो इक्वेशन इधर कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक है, इसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू डाल देंगे स्ट्रेस की 55 kpsi, तो उसे करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, तो दिस विल गिव मी 55 इज इक्वल टू 133.1 एन रेज टू पावर माइनस 0.0785. ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 55 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 133.1 माइनस 0.0785 लॉग. ओके, और यहाँ से आई विल गेट एन इज इक्वल टू इट विल बी 77,500. ये अपना नंबर ऑफ साइकिल्स इतना हो जाएगा, दैट इज इट्स लाइफ. ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते 7.75 इंटू 10 रेज टू पावर 5 साइकिल्स. ठीक है, तो ये अपने हो गए बेसिकली एसएन डायग्राम या फिर लाइफ यूजिंग द स्ट्रेस मेथड. ठीक है, उनके अपने कुछ एग्जांपल्स हो गए. तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं ये कंसेप्ट, काफ़ी सिंपल सही है और इम्पोर्टेंट भी थोड़ा, क्योंकि कभी कभी इनमें से क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं. ठीक है, सो वेल दैट्स इट अबाउट इट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. ओके, आगे जाकर भी हम लोग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात करेंगे. उसके अंदर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है, जो अभी हमने बात किया था दैट इज SE 0.5 SUT. ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या करेक्शन फैक्टर्स होते हैं, तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द करेक्शन फैक्टर्स. ओके, वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.